गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास है क्लास सेवन्थ के लिए और आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 से फ्लो ऑफ हीट। तो आज हम इस चैप्टर में हीट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे, कैसे हीट का फ्लो होता है और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो इन सभी बातों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ए एक्टिविटी। देखो, टू शो हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू वन ऑफ एट द लोअर टेम्परेचर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी। ठीक है, हीट की हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। टेक सम ऑफ हॉट वाटर इन ए टम्बलर, आपको एक टम्बलर में हॉट वाटर लेना है। डिप ए मेटल स्पून इन दिस वाटर फॉर सम टाइम, इसमें मेटल स्पून है ना आपका, उसको डिप करके रखना है। ठीक है, गर्म पानी में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्पून बिकम्स हॉट, यू फील अनकम्फर्टेबल टू होल्ड इट एनी मोर। तो आप ये फील करोगे कि जो आपका स्पून है वो भी क्या हॉट होने लगता है, गर्म होने लगता है और आप उसको, ठीक है, पकड़ने में अनकम्फर्टेबल फील करते हो क्योंकि आपको भी गर्म लगता है। दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट वाटर इन द टम्बलर टू द स्पून। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्म पानी था उसकी हीट जो है वो स्पून में ट्रांसफ़र हो रही है और स्पून से आपके हैंड में भी ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए आपको उसको ज़्यादा देर तक पकड़ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। लीव द टम्बलर विद वाटर इन 10-15 मिनट्स, फील द वाटर नाउ। अब सोचो आपने उस टम्बलर को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आप कैसा फील करोगे जब अगर उसको 10-15 मिनट के छोड़ने के बाद में आप उस पानी को टच करोगे। तो देखो, हैज इट कूल डाउन, यानी कि ये कूल डाउन हो जाता है। वाई, वाटर हैज लॉस्ट इट्स हीट टू द सराउंडिंग, तो वो जो पहले पानी गर्म था तो वो हीट कहाँ गई, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट में वो लॉस्ट हो गई। दिस शोज दैट द हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग। अब इससे क्या समझने को मिला है, इससे ये समझने को मिला है कि जो हीट है वो आसपास क्या होता है, सराउंडिंग ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, अब देखो, इन बोथ ऑफ अबव केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू द वन एट ए लो टेम्परेचर, लेट अस सी हाउ हीट फ्लोज। तो दोनों ही केस में आपने देखा है कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। इफ़ यू वॉन्ट टू पास ए बुक टू योर फ्रेंड सिटिंग ए फ्यू डेस्क अवे फ्रॉम यू, यू कैन डू इट फॉलोइंग थ्री वेज। ध्यान देना, अगर आप एक बुक को अपने दोस्त को पास कर रहे हो तो आप इसको तीन टाइप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, पहला, पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू, यानी कि आपके फ्रेंड और आप में, आपके बीच में जो भी बच्चे बैठे हैं आप उनको पास करोगे कि भाई इसको दे देना। ठीक है, गो एंड हैंड ओवर द बुक टू योर फ्रेंड, या फिर आप खड़े होके खुद जाओगे अपने फ्रेंड को बुक देने के लिए, दूसरा तरीका। तीसरा है, थ्रो द बुक टुवर्ड्स योर फ्रेंड, या फिर आप अपने दोस्त की तरफ उस बुक को थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे। सिमिलरली हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर बाय थ्री डिफरेंट वेज। तो जिस प्रकार आपने एक बुक को अपने दोस्त के लिए, दोस्त को पास किया था तीन वेज से, ठीक है, उसी प्रकार हीट भी हमारे यहाँ पर थ्री डिफरेंट वेज से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब जैसे देखते हो, ध्यान से देखना, पहला हम पढ़ रहे हैं वो है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन देख लेना ध्यान से, कंडक्शन क्या होता है। देखो, अब एक मिनट रुकना, ये एक्टिविटी आपको तो दिख रही है ना, इसको देखते हैं। एक्टिविटी जो सेकंड है आपकी, ये क्या है, ध्यान देना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये लो, लुक एट द दिस पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर से क्या सो रहा है, ध्यान देना कि आपने ये जो है ना मेटलिक एक सीट लगा रखी है, ये जो दिख रही है एरो से। ठीक है, ये दोनों, ये मेटलिक सीट है, ये भी मेटलिक सीट है, तो ये देखो क्या है। फिर आपने नीचे से हीट को फ्लो किया,
यानी कि आप नीचे मोमबत्ती रख रखे हो और मोमबत्ती से आप इस मेटलिक जो है इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना, आपने इसको गर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपने इसमें पहले देखो क्या ये गोल गोल से दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ये गोल गोल से क्या है, मोम, यानी मोम चिपका रखा है आपने, ठीक है। ऑलरेडी इसमें मोम चिपका रखा है, या फिर आप मोमबत्ती का जो वो होता है ना वो भी चिपका सकते हो। तो जैसे आप इसको मोमबत्ती से गर्म करोगे तो आपको पता है ये जो लोहे की जो है ये गर्म होएगी, और गर्म होने के बाद में जो ये मोमबत्ती के या फिर ये जो मोम इससे टच हो रहा है ये धीरे धीरे वन बाय वन क्या हो जाएगा, हटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटेलिक जो स्टिक है ये आपको क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होने के कारण ये हटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब ध्यान से देखना, हमें एक चीज़ समझने के बाद क्या है कि हमने इस मेटेलिक स्टिक की जो वन एंड है ना आयरन रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड के वन एंड को गर्म किया हमने, ध्यान देना, ये यहाँ पर गर्म किया था हमने, लेकिन धीरे 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 और यहाँ तक वो आपका क्या है मेटेलिक जो आयरन रॉड है उससे जो बैक्स जो आपने लगा रखी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो वन बाय वन हो रहा है। जैसे आप अपने दोस्त को बुक पहुंचाने से पहले आपके बीच में जितने भी आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको वन बाय वन पास करोगे, इसी प्रकार यहाँ पर जो हीट है वो उनके मॉलिक्यूल्स के द्वारा वन बाय वन क्या होती है, पास होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, अब सोच दैट हीट इज ट्रेवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, यानी यहाँ पर हॉट एंड यानी कि गर्म सिरे से दूसरे ठंडे सिरे तक जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। चलो, कंडक्शन ऑफ हीट, तो देखो रिकॉल दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एज हीट इज सप्लाइड टू द वैन वन एंड ऑफ द रोड इज हीटेड। जब हम रोड के मेटलिक रोड के एक एंड को हीटेड करते हैं तो वो जो हीट है उसके दूसरे सिरे तक सप्लाई हो जाती है। तो द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग फास्टर दे हिट द नियर बाई मॉलिक्यूल्स एंड मेक देम वाइब्रेटिंग, यानी कि पहला मॉलिक्यूल्स गर्म है उसके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो उसको क्या करेगा, उसको भी हॉटनेस यानी कि उसको भी गर्म करेगा। दिस मॉलिक्यूल्स अगेन हिट द नेवर मॉलिक्यूल्स, और जो उसके पास वाला मॉलिक्यूल्स है वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा। तो इस प्रकार वो हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। इन दिस वे द वाइब्रेशन एंड द हेंस हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ठीक है। इस प्रकार हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ये हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कंपेयर दिस टू पासिंग द बुक फ्रॉम द चाइल्ड टू अनदर, तो इसको भी आप उसी प्रकार कंपेयर कर सकते हो जिस प्रकार आपने अपने फ्रेंड तक बुक पहुंचाने का पहला माध्यम अपनाया था, ठीक है। चलो अब देखो, हीट जो होती है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम द हॉट टुवर्ड्स द कोल्ड एंड, यानी कि हॉट जो हॉट वाला एंड होगा उससे कोल्ड वाले एंड की तरफ ट्रांसफर होगी। द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर एंड, ठीक है, और इसके बिना मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसफर नहीं हो सकते। इट इज, देखो हीट इज हाउ एवर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू ऑब्जेक्ट टू द अनदर बाय द कंडक्शन ओनली इफ, देखो कंडक्शन से के द्वारा हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं इफ़, देखो पहला पॉइंट है आपका कि टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द कॉन्टैक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं तो भी हम कंडक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोचो एक मॉलिक्यूल्स ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल्स ये रहा, चौथा मॉलिक्यूल्स ये रहा, तो इनमें कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होगी क्या? नहीं होगी, इनमें नहीं होगी, ठीक है। तो किन में होगी, देखो ध्यान से, इनमें होगी, जैसे पहले कि दूसरा टच हो रहा है है ना, जैसे देखो पहला ये पहला है, एक मिनट रुको, ध्यान से देखना, ये पहला है, एक मिनट रुकना यार, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवा है,
ऐसे अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में टच में होते हैं तो देन हम कह सकते हैं कि हीट जो है कंडेंसेशन द्वारा ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, चलो आज की इस क्लास में हमने एक ही टॉपिक को डिस्कवर किया है, या हमने एक ही टॉपिक बात की है, वो है कंडक्शन। ठीक है, तो कंडेंसेशन के द्वारा इस प्रकार से हम हीट को वन पार्ट से अदर पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप देखो, ये और पढ़ लेते हैं। मटेरियल विच अलाउ हीट टू बी कंडक्ट थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गोल्ड कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बे मेटल या बे मटेरियल्स जो कि हीट को एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बे मटेरियल जिनमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है उन सबको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिनमें ट्रांसफ़र नहीं होती है उनको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे देखो, आयरन है, कॉपर है, वायर है, सिल्वर है, और एल्यूमिनियम वायर है, या फिर ये जो हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। इनफैक्ट मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, या फिर हम एक वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हीट पढ़ रहे हैं बट इलेक्ट्रिसिटी को भी जानेंगे। तो देखो, ग्लास अलाउज वेरी लिटिल ऑफ द हीट, और ग्लास जो होता है वो बहुत कम मात्रा में जो है हीट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसलिए हम ग्लास को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, यानी कि ग्लास जो है हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते एक तरह से, इसलिए हम इसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो जो चीज़ हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है वो इंसुलेटर होती है, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ठीक है, रबर है, और ड्राई वुड है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इंसुलेटर होती है। और जो हीट को ट्रांसफ़र करती है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, और कॉपर है, ये सभी चीज़ें जो होती है मेटल्स होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं मोस्टली हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि हीट को फ्लो करते हैं, ठीक है, अपने वन मीडियम से अनदर मीडियम पे। ठीक है, चलो अब हम एक और एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, चलो हम आगे की क्लास में देखेंगे अब बाकी के चैप्टर को। ठीक है।